हेल्दी टिप्स फॉर योर फैंस। सॉल्ट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालय पिंक सॉल्ट। शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो। मतलब जीना ही कम करो, सुसाइड कर लेता हूँ। So guys, देखा आपने कैसी कैसी एडवाइस दी जा रही है। बट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, यू नो आई एम नॉट ट्राइंग टू बैश एनीवन हियर, नॉट इवन नुसरत, क्योंकि मुझे पता है कि जो एडवाइस उन्होंने दी वो आई डोंट नो किस हिसाब से दी और किस तरीके से दी, क्या सोच के दी, बट डेफिनेटली वो गलत एडवाइस है। और ये गलत एडवाइस को हम क्लियर ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा, राइट। सो गाइज वेलकम बैक, दिस इज जीत सलाल, फिटनेस कोच एंड द फाउंडर ऑफ हिमालयन स्टैलियन। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई क्यों आपको स्पेसिफिकली फिटनेस के बारे में जो नॉलेज है वो एक्टर्स या फिर किसी ऐसे इंसान से नहीं लेनी चाहिए जो फिटनेस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग इनसे रिलेटेड या फिर जिन्होंने इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं करी है उनसे नहीं लेनी चाहिए। आपने क्यों नहीं लेनी चाहिए आज हम समझेंगे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। नाउ गाइज, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि नुसरत ने जो भी कहा वो उन्होंने अपने जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी बताए हुए रास्ते से जो भी उन्होंने किया है वो एडवाइस दी। अब वहाँ पे एक चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी कोई भी इंसान अपनी यू नो एडवाइस देता है कि भाई वो पर्टिकुलर एडवाइस उनके लिए है। जब उन्होंने कहा कि यू नो शुगर छोड़ दो, सॉल्ट छोड़ दो, आटा छोड़ दो, दही छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, वो उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने हो सकता है कि उनके लिए स्पेसिफिक जो डाइट प्लान बनाया हो, राइट, उनके शूट्स के लिए, उनके स्पेसिफिक रिजीम के लिए, उनके गोल के लिए, वो हो सकता है कि उनके लिए सही हो और वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फिर कोई सर्टन पीरियड के लिए। लेकिन जब वो सारी की सारी एडवाइस कोई एक आम इंसान जो उनको यूट्यूब पे देख रहा है, वीडियोस में देख रहा है, टीवी पे देख रहा है, एग्जैक्टली अपनाने लग जाता है तो वो चीज़ें गलत हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें गलत कैसे होती हैं। और सेलिब्रिटीज़ के लिए, एक्टर्स के लिए मैं छोटी सी एडवाइस ये दूंगा कि प्लीज़ मेंशन योर न्यूट्रिशनिस्ट और ये भी मेंशन करिए कि ये एडवाइस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको दी है और ये आपके लिए सही है, वो भी एक ड्यूरेशन के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए और एक गोल के लिए, राइट। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ फर्स्ट थिंग, जो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सॉल्ट छोड़ दो। अब सॉल्ट की जगह पे हिमालयन रॉक सॉल्ट को आप रिप्लेस कर दो। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि जब आप सॉल्ट, नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो आता है आपका टाटा का या फिर किसी भी कंपनी का, वो सॉल्ट और हिमालयन सॉल्ट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस है विटामिन और थोड़े बहुत मिनरल्स का। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हिमालयन रॉक सॉल्ट की बात की जाती है उसमें थोड़ा सा मिनरल्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं और मिनरल्स प्रेजेंट होने की वजह से उसमें इम्प्योरिटीज़ भी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। अब जो टेबल सॉल्ट है आपका उसको थोड़ा सा रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने के साथ साथ उसमें से मिनरल्स और इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया जाता है और उसमें आयोडीन को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब उसका मतलब ये है कि क्योंकि इंडिया में बहुत टाइम से आयोडीन की कमी, डेफिशिएंसी की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी, थायराइड इश्यूज हो रहे थे, जिसमें वो गॉइटर वाली प्रॉब्लम टीवी में ऐड भी आता था 90s में अगर आपको याद हो तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरीके से गवर्नमेंट ने निकाला कि भाई सॉल्ट में आयोडीन डाल दो, खत्म। तो सब तक आपके पास जब आयोडीन पहुंच जाएगा तो डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। अब ये समझिए कि रॉक सॉल्ट या फिर हिमालयन सॉल्ट या कोई भी ऐसा सॉल्ट या फिर आपका टेबल सॉल्ट, इसमें सब में सोडियम क्लोराइड ही है, सोडियम ही है। हाँ, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो नॉर्मल नमक के साथ साथ हिमालयन सॉल्ट भी लें, जैसे कि मैं भी कभी कभी हिमालयन रॉक सॉल्ट ले लेता हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ नॉर्मल सॉल्ट भी कंज्यूम करता हूँ, मैं रिप्लेस नहीं कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत मिनरल्स का डिफरेंस है, दैट्स इट। अगर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं लेना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फोर्स नहीं करता, कोई ऐसे यू नो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स आपको नहीं मिल जाते, वो मिनरल्स की कमी आप दूसरे फूड से भी पूरी कर सकते हैं। अब रही बात मेन चीज़ सोडियम की, भाई सॉल्ट को खतरनाक समझा जाता है कि इससे आपका वाटर रिटेंशन हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, उसके साथ साथ यू नो आपके किडनीज़ में प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। यस, एक हद तक ये बात सही है अगर आप बहुत सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो। जब आप लगभग डेली बेसिस में 1600 मिलीग्राम से लेकर 2300, 2500 मिलीग्राम के आसपास कंज्यूम कर रहे हैं तब तक तो बात ठीक है, लेकिन हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करने लगते हैं, हर खाने में नमक बहुत ज़्यादा डालने लगते हैं, कुछ ऐसे फूड, पैकेट फूड खाने लगते हैं, पैक्ड फूड जिसमें बहुत सोडियम मिल रही है, तो उसकी वजह से हमें हमारी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है, सोडियम बढ़ने की वजह से वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है, स्किन के अंडर पानी भरने लगता है, ब्लोटिंग, की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये इश्यूज से बचने के लिए अगर आप अपने सोडियम को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लो, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लो, तो आप बहुत ही आराम से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। और ड्रास्टिकली सोडियम सॉल्ट को बिल्कुल हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको रिप्लेस करने की हिमालयन रॉक सॉल्ट से अपने नॉर्मल सॉल्ट को। लीजिए लेकिन थोड़ा सा लिमिट में, और साथ ही साथ थोड़ा सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम आपकी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है आपके फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए। आपकी बॉडी में जो पंप नज़र आता है आपको, स्पेसिफिकली ट्रेनिंग की बात करें तो ये सोडियम से ही हो रहा है, राइट। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट आपका सोडियम से ही कंट्रोल हो रहा है। साथ ही साथ बॉडी में क्रैम्प्स पड़ना, ब्रेन फंक्शनिंग में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें सोडियम पर डिपेंड करती हैं। अगर आप सोडियम को रिप्लेस कर दोगे या फिर पूरा ख़त्म कर दोगे तो प्रॉब्लम होने लगती है। काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो अपने कंडीशनिंग के टाइम पे, अपने कंपटीशन के टाइम पे सोडियम को पूरी तरीके से निकाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना। दूसरी चीज़ जो है वो है शुगर। अब यहाँ पे ये कहा गया कि भाई शुगर हटा के जैगरी से रिप्लेस कर दो। अब समझिए, यहाँ पे जब हम शुगर की बात करते हैं तो हम टेबल शुगर की बात कर रहे हैं। अब डेफिनेटली टेबल शुगर तो एक बहुत ही बेकार चीज़ है जो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। आप जितना हो सके टेबल शुगर को, प्रोसेस शुगर को, रिफाइंड शुगर को अपनी लाइफ से निकालिए। जब भी आप कोई पैक्ड फूड खाते हैं उसमें आपको टेबल शुगर, रिफाइंड शुगर ही, प्रोसेस शुगर ही मिल रही है। तो वो तो एम्प्टी कैलोरीज है, मतलब कि उसमें सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं, कोई भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं है। वहीं अगर हम जैगरी को देखें, गुड़ को देखें, तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते हैं। ऑफकोर्स शुगर मिलता है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। अगर हम बात करें इस जैगरी की, तो जैगरी के अंदर मोलेसिस होता है, एक बाय प्रोडक्ट होता है आपका, जिसमें ये सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो कंपेरिजन करें अगर टेबल शुगर और जैगरी का, तो डेफिनेटली न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपका जैगरी ही है। अगर आप रिप्लेस कर दोगे जहाँ पे शुगर ले रहे हो उससे, तो आपको बेनिफिट देगा। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पे, लेकिन ये कि इन दी एंड उसमें भी आपको शुगर और कैलोरीज तो मिल ही रही है। अब ये आप नहीं कर सकते कि भाई जहां आप हलवा शुगर में बना रहे थे, टेबल शुगर में, अब वो हलवा आप गुड़ में बनाओगे रोज, ये नहीं कर सकते आप, राइट। उसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर उसमें से गायब हो जाएगी अपने आप। शुगर तो बॉडी में जाएगी और वो कैलोरीज ही है। तो रिप्लेस करने का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा आपने चाय पीनी है, आपने थोड़ा सा आपने जैगरी ले लिया, खत्म। ये नहीं कि आप जैगरी भर भर के खा रहे हो, आपने जैगरी के लड्डू बनाने लग गए, आप मिठाइयाँ बनाने लग गए जैगरी से, गुड़ से, और सोच रहे हो कि भाई हेल्दी है, मज़ा आ गया, वाह वाह वाह। देखिए, इट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द फूड। खाना हेल्दी है, अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जितना मर्जी खा सकते हैं। हर चीज़ में कैलोरीज हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट हैं, विटामिन मिनरल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दबा के खा लें। तीसरी चीज़ आती है दही छोड़ दो, दूध छोड़ दो वाली बात। अब ये तो मैं कहूँगा कि कंप्लीट नॉनसेंस हो गई ये बात, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक टाइम में ही करना होता है। अगर हम ऐसा कह दें कि भाई दूध पीना छोड़ दो, दही खाना छोड़ दो, तो ये बड़ा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, कि कोई दूध, दही यानी कि डेयरी जो है आपकी, बहुत ही हाईली न्यूट्रिशनल फूड्स में आते हैं, जो आपके बॉडी को बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। दूध की अगर मैं बात करूं तो इट गिव्स यू प्रोटीन, आपका ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध आपको चाहिए, फैट्स, हेल्दी फैट्स आपको उसमें मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर विटामिन मिनरल्स की बात करें तो बहुत सारे विटामिन B12, राइट, उसके साथ साथ आपको इसमें पोटेशियम मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं जो अगर आप दूध कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। अब अगर बात करें दही की, तो दही ऐसा फूड है जिसमें आपको प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, योर हेल्दी गट बैक्टीरियाज, मतलब जो आपके सिस्टम है, जो आपका गट है, जो आपका GI ट्रैक्ट है, वो हेल्दी तभी रहता है जब उसके अंदर हेल्दी गट बैक्टीरियाज, जो आपकी बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करने के लिए जो हेल्दी बैक्टीरियाज चाहिए, वॉरियर्स चाहिए, वो आपके दही से मिलते हैं आपको। साथ ही साथ उसमें कई सारे विटामिन मिनरल्स भी मिल रहे हैं आपको। तो अगर आप दही, दूध नहीं खाएंगे तो आप इन चीज़ों की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाएगी। ना, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोगों को डेयरी से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, लैक्टोस पचता नहीं है उनको, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो स्पेसिफिक जो परसेंटेज है वो बहुत कम लोगों होते हैं ऐसे। अगर आप दूध पचा सकते हो, दही पचा सकते हो, तो आपको इसके बेनिफिट्स लेने चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 किलो दही पी लो या 2-3 किलो दूध पी जाओ और आपको ये लेना ही लेना है इतना नहीं, यू नो थोड़ा सा अगर आप कंज्यूम कर रहे हो 1 कप कर्ड डेली या फिर 1 ग्लास दूध, तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। अब बात आती है हमारी चौथी चीज़ की कि भाई आटा छोड़ दो। अब देखो ये आटा छोड़ दो वाला स्टेटमेंट भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गलत हो गया। अब क्यों? बिकॉज आटा यानी कि जो व्हीट है आपका, हम आटा की बात कर रहे हैं, तो उस गेहूँ से आपको जो न्यूट्रिशन मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊँ, अगर हम व्हीट की बात करें तो सीरियल ग्रेन है हमारा, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली बेसिस में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि रोटी हो गई हमारी, पास्ता अगर कंज्यूम करते हो, नूडल्स कंज्यूम करते हो, ब्रेड कंज्यूम करते हो, तो इतनी सारी चीज़ें उससे आपकी बन रही हैं। न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात करें तो उसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ फाइबर मिल रहा है, हाई अमाउंट ऑफ फाइबर। मतलब करीबन अगर आप 100 ग्राम खाओगे तो उसमें आपको 10 ग्राम 11 ग्राम के आसपास आपको फाइबर मिलेगी। और फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी गट हेल्थ है ना, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, जीआई ट्रैक्ट, एक स्मूथ आपका जीआई ट्रैक्ट काम करे उसके लिए फाइबर का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देता, डायरिया जैसी प्रॉब्लम से दूर रखता है आपको, गट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना उससे आपको फाइबर बचाता है। इसके साथ साथ विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो भर के हैं इसमें। फोलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मिनरल है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है, B9, राइट। इसके साथ साथ कॉपर इसके अंदर प्रेजेंट है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, सेलेनियम इसमें प्रेजेंट है, पोटेशियम इसके अंदर प्रेजेंट है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मिनरल्स आपको मिलते हैं सिर्फ आटा कंज्यूम करने से, रोटी कंज्यूम करने से। तो ये इस तरीके से हम इसको नहीं सोच सकते कि यार आटा खाने से आप बीमार हो जाओगे, आप हेल्दी नहीं बन पाओगे, राइट। कार्ब्स हैं उसमें डेफिनेटली, बट एक लिमिटेड अमाउंट में आप आटा को कंज्यूम कर सकते हैं, रोटी आप खा सकते हैं, व्हीट से बनी हुई कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम तब हो सकती है जब वो ग्लूटेन को नहीं पचा पाते। अब ग्लूटेन एक ऐसी चीज़ है ना, एक तरीके का आप कह सकते हो कि प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन की वजह से ग्लूटेन आपके बॉडी में दिक्कतें हो सकती हैं, यू नो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये भी रेशियो जो है बहुत ही कम परसेंटेज है इस तरीके के लोगों का। और स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो और भी कम, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोग थोड़े से ज़्यादा पाए जाते हैं, इंडिया में बहुत कम है। अगर आप फिर भी रोटी खाना, आटा खाना छोड़ रहे हो तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं रेगुलर बेसिस में आटा खाता हूँ, मैं रेगुलर बेसिस में दही लेता हूँ, दूध लेता हूँ, इवन मैं जैगरी भी कंज्यूम करता हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई एम स्टिल हेल्दी इनसाइड एंड आउट। सो कोई भी अगर आपको और कंफ्यूजन है और इस तरीके की वीडियोस अगर फ्लोट कर रहे हैं इंटरनेट में, तो प्लीज़ उसका लिंक जरूर शेयर करिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। और गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। एंड गाइज, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।